बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है एलिगेटर प्लांट पर। एलिगेटर जो प्लांट है हमारा, देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर हो ना, समंदरी जानवर। आप इसे किसी भी इससे तशबीह दे सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि इसकी टिप पर जो गिरने वाले छोटे छोटे रोजेट्स होते हैं, ये जहाँ गिरते हैं, अभी मैं आगे आपको वीडियो में भी दिखाऊँगी, ये जहाँ जहाँ गिरते हैं रोजेट्स छोटे से, तो ये वहाँ पर ये एक प्लांट अपना बहुत खूबसूरत बना देते हैं और इसकी प्रोपिगेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर। ये देखें छोटे छोटे फूल भी हैं पत्तियों के ऊपर, और यही फूल टाइप जो गिरते हैं वहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है इनकी प्लांटेशन, और बहुत ही खूबसूरत कलर के छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं जिनको सेपरेट करके हम अपनी जनाब प्लांटेशन को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये मैं अभी दिखाती भी हूँ आपको। ये देखें, ये इस तरीके से छोटा सा रोजेट होगा, और ये शायद मैं आपको इतना करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर इसकी फुल पिक हो तो मुकम्मल तौर पर बड़े भी हैं, जो एक पूरे छोटे ये जितने भी इसके ऊपर लगे हुए हैं, अगर मैं सही तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये तमाम के तमाम जो रोजेट्स हैं ये बेसिकली सब के सब एक पौधे हैं, सब के सब एक प्लांट्स हैं जो इसकी बेस में गिर के अपने, ये देखें गमले पे भी गिरा हुआ नज़र आ रहा है। और ये हैं वो छोटे छोटे पौधे, मैं निकाल कर भी दिखाऊंगी। ये देखें कितना खूबसूरत पौधे की शक्ल ये अख्तियार कर लेता है। मेरे पास पिन वाइपर का प्लांट था जो कि गर्मियों में जल गया, तो इसकी शक्ल अब पिन वाइपर से ही मिल रही है। देखें कितने प्यारे और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इतने प्यारे से ये प्लांट्स जो हैं, वो जो मैं आपको दिखा रही थी इसकी टिप पर लगने वाले छोटे से पौधे से मिल जाते हैं। और ये देखें ये पत्ता मैंने तोड़ा है, इस पत्ते के थ्रू भी इसकी प्रोपिगेशन हो जाती है। कितनी ईजी टू प्रोपिगेट है ये खूबसूरत लगने वाला एलिगेटर प्लांट जनाब। ये एक तो ईजी टू ग्रो है और ईजी टू प्रोपिगेट भी है एलिगेटर प्लांट। और इसके अलावा कलंजू की ही ये वैरायटी है, और इसे डायग्रो मोटियाना भी इस प्लांट को कहते हैं। एलिगेटर प्लांट कलंजू की वैरायटी बहुत खूबसूरत, और मदर ऑफ थाउजेंड भी इसी ही प्लांट का नाम है। इसकी और भी वैरायटीज़ हैं और कलर्स में और शेप्स में ये होता है। बहरहाल मुख्तलिफ स्पीसीज़ में से एक ये भी है जो मैं आपको आज अपने चैनल पर दिखा रही हूँ। बहुत से लोग इस प्लांट के बारे में जानते होंगे, मेरे फेवरेट प्लांट्स में से एक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो प्लांट है बहुत इजी टू ग्रो है, और जब अगर आपको किसी को गिफ्ट करना हो तो इस प्लांट से अच्छा और आपको दिल भी बड़ा हो जाता है इसको देने से। देखिए बेतहाशा लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम मदर ऑफ थाउजेंड है। और ये देखें अगर हमने इसको जड़ से निकाला, रूट बनी बनाई, बस इसको छोटे से कंटेनर में हम लगाएंगे और खूबसूरत का खूबसूरत, और आप जनाब तोहफा भी दे सकते हैं। और ये देखें क्या ये खूबसूरती है, मेरे रब का करम है इस प्लांट पर। और देखें बेहतरीन तरीके से ग्रोथ लिया हुआ ये प्यारा सा पौधा, आप जिस किसी को भी देंगे, मेरा नहीं ख्याल नेचर से प्यार करने वाला एक बार तो खिल उठेगा इस खूबसूरत से गिफ्ट को लेकर। जिनको नेचर से प्यार है और जो प्लांट लवर्स है, यकीनन वो बहुत ही खुश होंगे इस प्लांट को विद रूट देखकर। ये आप गिफ्ट देने के लिए इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं होगा। तो जनाब लगा लें आप, अगर आपको कहीं से एक पत्ता भी मिल जाए तो आप ये अपने घर लगा लें। इस पत्ते से भी मैंने अभी आपको दिखाया था प्रोपिगेशन इसकी, बहुत अच्छी सी रूट्स बन जाती हैं। और मज़े की बात है इस मौसम में, यानी कि समर में अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जो है इसका ग्रोथ रेट अच्छा जाता है, फास्ट ग्रोथ रेट है। और जनाब डोरमेंसी में ये जाएगा, किस वक्त डोरमेंसी में जाएगा जनाब, फुल सर्दी में ये डोरमेंसी में इतने बुरे तरीके से नहीं जाता। प्लांट अपनी शेप जो है वो कायम रखता है, अपनी ग्रोथ थोड़ी सी स्टॉप कर देता है, खूबसूरती जो है थोड़ी सी डल हो जाएगी, लेकिन कम नहीं होगी डल कलर जो है, जो अब कलर इसका, ये जो मासूम सा पौधा है इसका तो क्या ही बात है। बच्चों के जैसे बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, ना चाहते हुए भी बच्चों पर प्यार आता है, इसी तरह इस प्लांट से ज़्यादा इसके छोटे छोटे बेबीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, देखने में एक अलग ही हुसन होता है इनका। तो मैं बता रही थी कि सर्दी में ये डोरमेंसी में इस तरीके से जाएगा कि ग्रोथ सिर्फ थोड़ी स्टॉप होगी, लेकिन ये प्लांट जो है कलर अपना थोड़ा सा कम कर देगा, फेड। ये जनाब मैंने इस कंटेनर में रख दिया, नीट क्लीन करके इसको इस कंटेनर में लगा कर मैं बाद में जनाब किसी ने गिफ्ट मांगा है तो उसको दे भी दूँगी, हंसी खुशी हम देंगे। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जो मतलब इजी टू ग्रो हों, उनको गिफ्ट देने में मज़ा आता है, दिल भी जो है ना वो नहीं होता उदास। यार पहले थोड़े से प्लांट है, इतनी मुश्किल से मेहनत से बढ़ाएँ, अब हम इसको गिफ्ट कर दें तो थोड़ा दिल जो है
परेशान होता है कि कहीं हमारे पास ये वैरायटी ना ख़त्म हो जाए। लेकिन इस किस्म के जो प्लांट हैं बिगनर्स के लिए एक तोहफ़ा है, अल्लाह ताला का खूबसूरती से भी लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं। ये देखें बेतहाशा मेरे गार्डनर में लगे हुए, ये मिनिएचर में मैंने एक लगाए हुए, और इस मिनिएचर का इतना अच्छा सा फ़ायदा है, इसके अंदर सिट्रो पेट्रोसीडम सेडिफॉर्म की भी जो वैरायटी, ज़रा सारे के सारे गमले जल गए तो बड़ी खुशी हुई है। मैं अभी दिखा भी देती हूँ, ये देखें ये जनाब सारे के सारे जो गमले हैं ना पेट्रोसीडम फार्म के जल गए हैं चुपके से। मैंने एक ब्रांच जो देखी है ये बड़ी छुप छुपा के जनाब साए में बढ़ रही है एलिगेटर प्लांट्स के, और अपनी खूबसूरती को भी किसी हद तक बेचारी कायम रखे हुए है। और जनाब ठंडक ने इसकी एलिगेटर प्लांट की इसको बचा लिया। और बेस में मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि कहीं कहीं इसके जो छोटे से रोजर्स गिर के आप अपनी प्लांटेशन को एक्सटेंड कर चुके हैं। ये वो टाइम है जब आप ढेरों ढेर गिफ्ट कर सकते हैं मदर ऑफ़ थाउजेंड प्लांट एग्जैक्ट नेम का। वैसे मेरा कहना ये है कि ये मदर ऑफ़ थाउजेंड प्लांट नहीं है, ये मदर ऑफ़ मिलियंस प्लांट इसको कहना चाहिए। मदर ऑफ़ मिलियंस प्लांट है जिसकी लीव के थ्रू भी प्रोपिगेशन हो रही है, जिसकी कटिंग के थ्रू भी प्रोपिगेशन एक्सटेंड हो रही है ढेरों ढेर, जो ईजी टू ग्रो है और वेरी फास्ट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।